आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, जो कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूके स्टडी वीज़ा के लिए और सितंबर इनटेक किसी ना किसी वजह से मिस कर गए हैं या फिर अभी बिल्कुल न्यू अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं फॉर द जनवरी इनटेक 2025। तो हम उनके लिए लेके आए हैं ये वीडियो और इस वीडियो में हम बताएंगे वो सब ऑप्शंस जो कि विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट आपको एडमिशन दे रहे हैं। तो मैनचेस्टर में सर लैंड करते हैं। मैनचेस्टर में हमारे पास विदाउट इंग्लिश टेस्ट कौन कौन सा ऑप्शन मौजूद है? बोल्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन जो है वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आपको शो हो रही हैं, प्लस इसमें इंटरमीडिएट की इंग्लिश लैंग्वेज जो आपके मार्क्स हैं इंग्लिश में वो भी 50% होने चाहिए। ये बस थोड़े रहे, 50 तो ले ही लेता है, 50% नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक, लाइक तो सारे ही होते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल, और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, अगर आपका गैप 3 साल से ज्यादा नहीं है तो ओके सीन है, आप एमओए की बेस पे हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर हम पोस्ट ग्रेड की सर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें तो अब तक बहुत कम ये ले रहे हैं, 50% आपके मार्क्स। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अगर फीस की बात करें तो आपका इनिशियल 5,000 है और ऑलमोस्ट 5,000 ही ज्यादा देना एनरोलमेंट पे देना है, टोटल 10,000 समथिंग अपने माइंड में, 10,000 10,500 माइंड में रखे, करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, इसके अलावा अगर हम बात करें मैनचेस्टर में तो वही बीपीपी यूनिवर्सिटी, बीपीपी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर कैंपस भी है, वो भी आपको एमओए एक्सेप्ट कर रहे हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स आपने न्यूज लंदन वाली देखी है। अब आ जाते हैं मैनचेस्टर के बाद, बहुत ही फेमस सिटी है वो है बर्मिंघम। बर्मिंघम, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। बर्मिंघम में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स है, जो बहुत प्ले कर रही है, ये कर रही है, आप इन्होंने अपना सिस्टम अपडेट कर दिया है, बहुत ही फास्ट ऑप्शन है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, जिस तरह मैंने आपको शहर में कहा था, इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को एंटरटेन कर रहे हैं, एमओआई या इंग्लिश प्रोफेशनल सिलेक्ट। 5 साल से ज्यादा अगर आपका गैप नहीं है, एक मेरे ख्याल में रूल है, हाँ, इंग्लिश की मार्क्स यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप ये लिस्ट देख लें और 5 साल का वो चीजें ओके हो जाएंगी। इंटर रिक्वायरमेंट के बारे में आप बता दें थोड़ा सा। इंटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पोस्ट ग्रेड में अगर आपके 4 ईयर बैचलर्स में 55% मार्क्स हैं, देन यू आर एलिजिबल, आपका एडमिशन हो जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें, 4,000 इनिशियल डिपॉजिट ले रही है यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑन एनरोलमेंट टोटल फिगर 50% भी आपने पूरा करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बर्मिंघम के पास एक सिटी है वॉल्वरहैम्पटन, 20-25 मिनट्स की डिस्टेंस है बाई ट्रेन। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन। हाँ, उसमें कोर्सेज की देखें लाइन पड़ी हुई है कोर्सेज की। एग्जैक्टली, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बर्मिंघम जाना चाह रहे हैं तो वॉल्वरहैम्पटन में एडजस्ट हो रहे हैं। Exactly. और इसमें आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सब्जेक्ट में, आप इसमें यूनिवर्सिटी की कोई लिस्ट नहीं, कोई लिस्ट नहीं है। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपका जो इंटरमीडिएट का उसमें मार्क्स होना चाहिए, वाला कितने होने चाहिए? 80% मार्क्स होना चाहिए। आप चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के वो इंटरमीडिएट के मार्क्स देखने हैं, और गैप कितना होना चाहिए? गैप का भी कोई इशू नहीं है, और ठीक है, इंटर में 80% इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। वैसे नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी 5 साल तक का गैप ले लेती है इसी का। ओके, ठीक है। और अगर हम इसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में जस्ट आपको आपने 4 ईयर बैचलर किया या 2+2 डिग्री की या तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इनिशियल डिपॉजिट की बात, ओनर की टक्कर भी आ गई यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली सर, इनिशियल डिपॉजिट कितना होना चाहिए इसमें? 8,000, जस्ट 8,000 पाउंड की ओवर ऑफ फीजन 12-13,000 में होने इतनी ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। और इसमें अगर ये देखें इतनी फास्ट ऑप्शन है, एक दिन के अंदर कैश लेती है और फ्लैट भी, तो बेहतरीन, जैसे ही आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, स्टेट आउट पूरी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है, इंटरव्यू पास हो जाता है, तो आपने इनको सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, 2 दिन के अंदर आपका कैश आ जाता है। और क्या चाहिए, इतना फास्ट ऑप्शन बर्मिंघम में, बहुत बेहतरीन। मैं 100 टाइम करता हूँ इस, इधर जाए, बेहतरीन बेहतरीन, हर चीज़ों को हमने देखना होता है। अच्छा सर, ये तो हमने बर्मिंघम की डिस्कस की है। अच्छा, एक ऐसा ऑप्शन मेरे माइंड में आ रहा है जो कि बर्मिंघम और मैनचेस्टर के कहीं दरमियान में लाए करता है। पहला नाम मैं मैनचेस्टर जाऊँगा, बर्मिंघम जाऊँगा, दरमियान के दिखना चाह रहे हैं वो नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। आज बिल्कुल नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी जो है वो बर्मिंघम मैनचेस्टर के मिडल में आती है। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इधर भी है, कोई ज़्यादा नहीं है यूनिवर्सिटीज, 5 ही यूनिवर्सिटीज होंगी, ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। 3 साल का गैप अगर नहीं है आपका इन यूनिवर्सिटीज से तो आप इधर विदाउट इंग्लिश टेस्ट जा सकते हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की सर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो
कितने चाहिए? ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट्स खिजर भाई को जब चीज़ भूल जाती है तो मेरे पास आ जाते हैं, जब भी हो सकते हैं मुझे भी याद भूल जाए। एनी हो, अगर इसकी इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको बैचलर्स में 2.5 से लेकर 2.9 CGPA के राउंड अबाउट कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें 2.5 चाहिए होता है, बिल्कुल कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 2.9 CGPA चाहिए। सही है, सिंपल ये आपको चाहिए 4 ईयर का गैप मैक्सिमम है अगर एक्सेप्टेबल आप एमओई पे जाना चाह रहे हैं। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी इनिशियल डिपॉजिट फॉरेन सिटी है। जस्ट 6,000 पाउंड्स।